हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 14 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और इसकी हेडिंग है रूल अगेंस्ट परपेचुटी। अब इस सेक्शन 14 में देखो क्या कहा गया है। सेक्शन 13 में क्या कहा था कि अगर कोई अनबॉर्न चाइल्ड है तो उसके लिए इंटरेस्ट दिया जा सकता है, पर सेक्शन 14 में बताया है कि वो इंटरेस्ट सेक्शन 13 ने दे दिया, बता दिया कि भाई आप अनबॉर्न चाइल्ड के बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी लिविंग पर्सन के थ्रू। पर सेक्शन 14 कुछ लिमिटेशंस लगाता है कि अगर ऐसा हो तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो उस क्या लिमिटेशंस हैं, दो लिमिटेशंस की बात करेंगे हम सेक्शन 14 में। यही जो रूल अगेंस्ट परपेचुटी है, इसमें दो लिमिटेशंस की बात करेंगे। ऐसे कह लो कि सेक्शन 13 ने तो बता दिया कि हाँ भाई ये प्रोसेस है, किसी अनबॉर्न चाइल्ड को देने का ये प्रोसेस है, पर उस पर कुछ बैरियर्स हैं रास्ते में, वो सेक्शन 14 ने बताया है। क्या है, दो रूल्स बात करने जाते हैं। पहला आसान वाले पे बात करते हैं। मान लो मैं हूँ और मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है इन भाई साहब को, ठीक है। मैंने कहा इनसे कि सुनो, और ये जो है ये इनके बेटे हैं, अनबॉर्न चाइल्ड, जन्म वन्म नहीं हुआ इनका, अनबॉर्न है। हमने इनको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की फॉर लाइफ, माने कि जब तक ये जिंदा है तब तक इनके पास वो प्रॉपर्टी रहेगी, और जैसे ही इनका देहांत होगा वो प्रॉपर्टी इनके पास चली जाएगी। ऑफ कोर्स अगर ये क्या है, इनका बर्थ हो चुका है, इनका बर्थ नहीं हुआ है तो प्रॉपर्टी वापस मेरे पास आ जाएगी। अब सेक्शन 14 की जो पहली और आसान वाली कंडीशन है वो क्या कहती है कि अगर मैं लिख दूं कंडीशन, क्या कंडीशन, कि प्रॉपर्टी अनबॉर्न चाइल्ड को तब जाएगी जब वो 25 साल का हो जाएगा। यानी मैंने प्रॉपर्टी इसको दी, इसके लाइफ टाइम में ही जब ये जिंदा था, तो अनबॉर्न चाइल्ड जो बच्चा भी इनका हो गया, अभी कितने साल का है, 1 साल का भी नहीं हुआ बेचारा, क्या प्रॉपर्टी ओनरशिप इसके बाद जाएगी? नहीं। मैंने क्या बोला है, जब ये 25 का हो जाएगा तब जाएगी। 18 का हो गया, प्रॉपर्टी गई क्या? नहीं। 25 का हो गया तब प्रॉपर्टी जाएगी क्या? नहीं, क्योंकि सेक्शन 14 कहता है कि मैं ये जो कंडीशन लगाई है कितनी एज तक प्रॉपर्टी जा सकती है, वो मैक्सिमम लिमिट है कब, माइनॉरिटी तक, जब तक ये माइनर है, यानी 18 का जब तक नहीं हुआ है तभी तक के मैं कंडीशन लगा सकता हूँ। अगर मैं लिख देता कि प्रॉपर्टी फॉर लाइफ इसके पास जाएगी, और इसके बाद इसके पास कब, जब ये 18 का हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने प्रॉपर्टी इसके नाम की, इसके लाइफ टाइम में ये भाई साहब हो गए, जब ये 18 के होंगे तब इनसे प्रॉपर्टी इनके पास चली जाएगी, ओनरशिप जाएगी, पजेशन तभी जाएगा जब ये मर जाएगा, जब इसकी डेथ हो जाएगी पजेशन तभी जाएगा, लेकिन ओनरशिप 18 में चली गई। अब देखो नुकसान देखो, मैंने कहा कि 25 वाले का नुकसान देखो, मैंने कहा इसके पास प्रॉपर्टी का ओनरशिप तभी जाएगा जब ये 25 का हो जाए। मान लो भाई 18 गई था, ये भाई चल बसे, प्रॉपर्टी जाएगी क्या? ना, नहीं जाएगी, ठीक है। फिर से क्या कहता है सेक्शन 14, सेक्शन 14 है रूल अगेंस्ट परपेचुटी। बेसिक जो जिस प्रिंसिपल पे ये सेक्शन बेस्ड है वो ये है कि जो राइट है एलिनेट करने का किसी प्रॉपर्टी को, व्हाट राइट ऑफ द ओनर टू एलिनेट द प्रॉपर्टी, ठीक है, मेरा अधिकार था प्रॉपर्टी को एलिनेट करने का, उसको इस तरह यूज नहीं करना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी को ही हार्म करे। मैं उसको कुछ इस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ या अगर करूँ जिससे प्रॉपर्टी एलिनेट ही नहीं हो पाए, किसी को जा ही नहीं पाए, सालों तक जनरेशन से जनरेशन एक दूसरे के पास चले जा रही है, तो वो क्या है, उसके लिए हार्मफुल है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि भाई मेरे बच्चों को जा रही है प्रॉपर्टी, फिर उनके बच्चों को जाए, फिर उनके बच्चों को जाए, फॉर लाइफ, ठीक है, तो ये कैसी कंडीशन हो जाएगी, रूल ऑफ परपेचुटी के अगेंस्ट होगी। वापस आते हैं इस एग्जाम्पल पे, तो मैंने पहली कंडीशन क्या बताई सेक्शन 14 में, कि अगर
ये 18 प्लस हो चुका है, यानी मैं जो कंडीशन लिख रहा हूँ अनबोर्न चाइल्ड के लिए, 18 के बाद मैं उसको प्रॉपर्टी नहीं की ओनरशिप नहीं दे सकता, ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन ये कहती है कि जिसको प्रॉपर्टी दी है फॉर लाइफ, तो जो इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा ओनरशिप का, वो इसके जीते जी ही हो सकता है। जब तक ये जिंदा है तब तक क्या ओनरशिप तभी तक ट्रांसफर हो सकती है? पजेशन तो भाई इसके मरने पे ही जाएगा, लेकिन ओनरशिप का टाइटल इसके जीते जी जाना चाहिए। एग्जांपल लेते हैं, मैंने प्रॉपर्टीज को दी, ठीक है। जनरली क्या होगा, अगर मैंने कोई कंडीशन नहीं लिखी है, मैंने कहा है कि प्रॉपर्टी इन भाई साहब को जानी है फॉर लाइफ और उसके बाद इसके अनबॉर्न चाइल्ड को, तो जिस दिन ये पैदा होगा प्रॉपर्टी इसके नाम चली जाएगी, बस पजेशन तब जाएगा जब ये मर जाएगा। लेकिन इन केस मैं लिख दूँ कोई कंडीशन, मान लो मैंने लिख दिया 18 की एज तक, जब ये 18 का होगा तब इसके बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, जाएगी ओनरशिप। ये 18 का हुआ नहीं, 15 का हुआ है, लेकिन ये चल बसे तो क्या ओनरशिप जा पाई? नहीं, ओनरशिप कब जाती है उसके पास? 18 का होता तब, पजेशन बाद में जाता, ये तो पहले चला गया, तो ओनरशिप भी नहीं जा पाई। तो अभी भी क्या हो गया, क्या हो गया भाई, वो प्रॉपर्टी उसके पास नहीं जाएगी। तो ये दो कंडीशंस की बात कही है क्या, कि एक तो ओनरशिप भी इसके लाइफ टाइम में जानी चाहिए, और दूसरी बात अगर प्रॉपर्टी जा रही है तो इसके 18 का होने से पहले पहले ट्रांसफर होनी है, ठीक है। दीज आर द टू कंडीशंस फॉर व्हाट सेक्शन 14 विच इज रूल अगेंस्ट परपेचुटी। आई होप आपको समझ आया, समझ आया तो लाइक बटन दबाओ एंड लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। बाय बाय।